पंजाब पे कमीशन पर डॉक्टरों की नाराजगी के चलते प्रदेश में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने गत दिवस पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की थी, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने समर्थन में गेट मीटिंग कर सरकार को चेताया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर की अगुवाई में डॉक्टरों ने गेट पर इकट्ठे होकर सरकार से मांग की है कि सरकार डॉक्टरों के हितों को देखते हुए पंजाब पे कमीशन को लागू ना करे, क्योंकि पंजाब की तर्ज पर ही हिमाचल में भी कर्मचारियों को वेतन लाभ मिलते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक को बढ़ाकर शाम 4 बजे तक भी कामकाज ठप रखा जा सकता है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि डॉक्टरों को सरकार की ओर से मिलने वाले नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को 25% से घटाकर 20% करने की कवायद शुरू है, जिसका सभी डॉक्टर एसोसिएशन विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि 6ठे वेतन आयोग के इस फैसले को अगर सरकार मानती है तो डॉक्टरों को वित्तीय हानि तो होगी और उनका मनोबल भी गिरेगा। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक को बढ़ाकर शाम 4 बजे तक भी किया जा सकता है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार खुद का पे कमीशन लेकर आए और अगर पंजाब के पे कमीशन को मानना है तो डॉक्टरों के हितों में काम करें। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों के हितों की अनदेखी की है और बाहरी प्रदेशों ने तो डॉक्टरों को कोविड काल के दौरान विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ दिए थे, लेकिन हिमाचल सरकार ने उल्टा डॉक्टरों को ऐसी स्थिति में भी वेतन काटा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह डॉक्टरों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों में तीसरी लहर की भी आने की संभावना है। जो जैसे कि विदित है, कुछ दिनों से समाचारों में आपने सबने सुना भी होगा कि जो मेडिकल ऑफिसर संघ है HMOA, उसने कल से कॉल दी थी पेन डाउन स्ट्राइक के लिए डिफरेंट PHC, CHC और डिफरेंट रीजनल हॉस्पिटल में। तो आज उसी के तहत जो है हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो स्ट्राइक है वो मेडिकल कॉलेजेस में ले जा रहे हैं, जो एक पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट है और जहाँ पे मेजरली बहुत दूर दराज से लोग इलाज कराने आते हैं। तो ये क्यों करना पड़ा हमें, मैं इस पे सबसे पहले जाना चाहूँगा, क्योंकि जो सरकार की जो रिकमेंडेशंस है 6th पे कमीशन की, वो पंजाब गवर्नमेंट का जो पे कमीशन है वही स्वतः हमारे हिमाचल प्रदेश में फॉलो किया जाता है। तो उस रिकमेंडेशन के हिसाब से जो हमारा नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जिसको NPA कहा जाता है, उस NPA में 25% से उसको कम करके 20% लाने की कवायद शुरू हो रही है और उसको बेसिक पे से भी अलग या डीलिंक किया जा रहा है। तो इस तरह के हम जब चाहते थे कि जब कोरोना वॉरियर्स, जो हम इतने, आप देखिए फर्स्ट और सेकंड वेव से कितने मुश्किल से हम खुद निकल के आए हैं और हिमाचल की प्यारी जनता को भी इससे निकाल के लाए हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि मतलब ये हमारे लिए कोई प्रोत्साहन वाली बात नहीं है। इस तरह से करना जो हमारे विश्वास, हमारी निष्ठा, जो हमारी आस्था है सरकार में, उसको कम करता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, उन्होंने इस पेंडेमिक के टाइम जो प्रदेश में चिकित्सक थे, जो स्टाफ नर्सिस थी, जो सफाई कर्मचारी थे, उनको बहुत बढ़िया इंसेंटिव दिए, उनकी पे को 20-30 हज़ार रुपये के इस तरह के इंसेंटिव दिए। हिमाचल सरकार ने तो हमारा पे भी काटी। तो ये कहाँ तक, मैं सोच रहा हूँ कि ये सरकार को इस तरह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और हमारा ही मनोबल टूट गया तो 3rd वेव की तैयारी जो है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी जो आयुर्वेदिक हमारा DCS सेंटर है, अब वहाँ पे एक भी मरीज़ नहीं है। तो ये हमारे सभी के सामूहिक प्रयास से ही हुआ है, जो वहाँ पे एक भी मरीज़ नहीं है। और नहान और जैसे मंडी में भी अब मेडिकल कॉलेज फिर शुरू हो चुके हैं। पर प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम फिर से ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ करते रहेंगे तो क्या हम पूरी निष्ठा से काम कर पाएंगे? मैं सोचता हूँ नहीं। और मेरे साथ जो जनता खड़ी है, ये जो बच्चे खड़े हैं, जिनका भविष्य भी आगे, जो आगे प्रोत्साहित होते हैं ये हमें देख के कि रेजिडेंट एसोसिएशन क्या कर रही है, तो जो इनकी स्टूडेंट सेंटर एसोसिएशन है वो भी हमें फॉलो करती है, तो ये
अपनी अर्ली स्टेज ऑफ कैरियर पे ये ऐसे हतोत्साहित हो जाएंगे तो फिर ये आगे किस तरह के डॉक्टर बन पाएंगे? क्या मांग करते हैं? मेरी सरकार से यही मांग है कि जो कभी चिकित्सक पेंडाउन पे जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, हम दो पेंडेमिक हो गए, हम कभी पेंडाउन पे नहीं गए, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास था। हमने कभी भी पेंडाउन, कोई भी इवन रूटीन पेशेंट्स भी हर्ट ना हो इसलिए हमें पेंडाउन नहीं किया। पर क्योंकि हमारे DCSC में कोई मरीज़ नहीं रह गया है, कोविड का सेकेंड वेव अब ख़त्म हो गया है, तब हमने ये निर्णय लिया कि अब मे भी हम पेंडाउन पे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी मरीज़ है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा कि 9:30 से 11:30 तक मेडिकल कॉलेजेस में रोज़ पेंडाउन हुआ करेगा जब तक इस पर फर्दर एक्शन नहीं होता। मे भी इसको पूरी टाइम के लिए भी किया जा सकता है 9 से 4 तक, और फिर इमरजेंसी तो फिलहाल वैसे ही सुचारू रूप से चलती रहेगी, वैक्सीनेशन वैसे ही चलती रहेगी। तो मेरी यही मांग है सरकार से कि या तो अपना स्वतः पे कमीशन बनाए, अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दे, उसमें कुछ अच्छा लेके आए, या फिर सरकार को अगर पंजाब से ही पे कमीशन लेना है तो इस तरह का पे कमीशन ना ले जिसमें चिकित्सकों को हतोत्साहित करने के निर्णय हो, उनकी सैलरी को 20-25 हज़ार रुपये कम किया जाए, तो इस तरह से निर्णय अच्छे नहीं हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि काइंडली इस पे ध्यान दें, और हम डॉक्टर्स जो हैं फिर फुल जील से, फुल एंथुजियाज़म से फिर से आपके साथ खड़े हो जाएंगे और थर्ड वेव की तैयारी के लिए बिल्कुल आगे रहेंगे। धन्यवाद।